हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त श्याम चौहान और सामने अपने हैं मारुति सुजुकी की जीटा वेरिएंट, सेकंड टॉप वेरिएंट है और प्राइस है इसकी 8,33,000 रुपये एक्स शोरूम। यह है इसकी चाबी और चाबी वही है जो मारुति हमेशा जो देता है पर्टिकुलर, पहले से कुछ चेंज है लेकिन सेम वही है, कुछ ज़्यादा इसमें बटन है नहीं, दो बटन है ऑन लॉक और अनलॉक करने के। लेंथ है इसकी 3990 mm, विड्थ है इसकी 1745 mm, हाइट है इसकी 1500 mm और व्हील बेस जो है इसका है 2520 mm। सेफ्टी के अंदर बात करें तो इसके अंदर आपको मिलते हैं 6 एयरबैग्स। सेकंड टॉप है इसलिए इसके अंदर आपको ग्रिल जो है वो आपको ब्लैक मिलेगी, ना कि आपको क्रोम में मिलेगी। दूसरी बात, ये जो हेडलाइट है इसके अंदर आपको एक ही बल्ब मिलेगा जो प्रोजेक्टर है वो, और इसके अंदर ही आपको हाई बीम और लो बीम का फंक्शन मिल जाता है। ये जो है ना तीन देख रहे हो आप, ये DRLS है, ये आपका इंडिकेटर मिलेगा हेलोजन के अंदर। सेकंड टॉप इसलिए आपको इसके अंदर फॉग लैंप नहीं मिलते हैं, क्रोम यहाँ पर दी गई है, ये यहाँ पर वेंट दिए गए हैं और ये है मारुति सुजुकी का बड़ा सा लोगो। सामने से देखने पर वही इसका पुराने वाला लुक जो था उससे काफ़ी रिजेंबल करती है और काफ़ी बेहतरीन लुक देती है। इसके साथ ही साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड प्रोफाइल में अपोलो के टायर दिए गए हैं जो कि है 16 इंच के, और ये जो अलॉय व्हील दिए गए हैं जो कि नॉर्मल अलॉय व्हील है, ना कि ना कोई डायमंड कट और ना ही मशीन कट अलॉय व्हील दिए गए हैं। साथ ही बात करें अगर ORBM की तो इसी में आपको इंडिकेटर भी दिए गए हैं जो कि आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से काम करते हैं, और लॉक होने पर ऑटोमेटिक फोल्ड अनफोल्ड नहीं हो पाते हैं। और जो इसकी अच्छी बात है ना, सेकंड टॉप होने के बावजूद भी इसके अंदर दोनों तरफ आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी दिए गए हैं। पीछे के दरवाजे की जो ओपनिंग है वो आपको इतनी मिलती है। बात करें अगर इसके पीछे की प्रोफाइल की तो पीछे ये इसका फ्यूल टैंक है, और पीछे से देखने पर इसके अंदर वही पुराने का जो बलेनो का जो पुराने वाला जो मॉडल था उसमें काफ़ी रिजेंबल करती है। हेडलाइट बदल दी गई है और थोड़ा डिज़ाइन भी बदल दिया गया है, डिफॉगर वाइपर और आपको एंटीना भी आपको दिया गया है। चार पार्किंग सेंसर मिलते हैं आपको, दो इधर दो इधर, और इधर आपको मिलता है मारुति का लोगो और ये आपको मिलता है बैक कैमरा। बूट स्पेस की बात की जाए तो बूट स्पेस जो है इसका वो है 318 लीटर का, और मारुति ने यहाँ पर इसको प्रीमियम बनाने पर इस पर काफ़ी ध्यान दिया गया है, ना कि बूट स्पेस को मैनेज करने पर। इस तरफ भी आपको पूरी तरीके से कवर मिलता है, इस तरफ भी आपको कवर मिलता है, ये आपको यहाँ पर लाइटिंग मिलती है जो कि ये हेलोजन में है, और ये आपको सामान टांगने के लिए यहाँ पर हुक मिलता है, सामान को हुक करने के लिए। ये इसकी कुछ एक्सेसरीज़ हैं जो कि इसके अंदर मिलती है आपको। स्पेयर व्हील की बात करें तो स्पेयर व्हील आपको इसके नीचे मिलता है यहाँ पर, ये इसका स्पेयर व्हील है। स्पेयर व्हील जो है इसका एक साइज़ छोटा मिलता है, यानी कि 15 इंच का आपको इसमें स्पेयर व्हील देखने को मिलता है, और ये आपको मिलती है इसके अंदर पार्सल ट्रे, ऊपर से भी पूरी तरीके से कवर दिया गया है और इसे बंद करने के लिए यहाँ पर एक स्पेस दिया गया है। इसका जो लिफ्ट करने का जो है ये बहुत ज़्यादा है, ये देखिए आप देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन बेहतरीन तरीके से इसे बनाया गया है काफ़ी अच्छे तरीके से। बात करें इसके पीछे के रियर सीट की कंफर्ट की तो हम इसके पहले रियर सीट को खोल लेते हैं, और पहले आपको डोर ट्रिम की बात की जाए तो आपको यहाँ पर सॉफ्ट टच दिया गया है, यहाँ पर भी सॉफ्ट टच दिया गया है हार्ड प्लास्टिक, और ये आपको पावर विंडो का बटन मिलता है, यहाँ पर वाटर होल्डर दिया गया है, ये आपको स्पीकर ग्रिल मिलती है, यहाँ पर ट्विटर पीछे की साइड नहीं दिए गए हैं, सिर्फ स्पीकर दिए गए। सीट की बात की जाए तो ये जो है ना इसका पहले हम देख लेते हैं थाई स्पोर्ट कैसा है। थाई स्पोर्ट की बात की जाए, थाई स्पोर्ट बहुत ही बेहतरीन है, साथ में ये सीट जो है ना ये थोड़ी ऐसे उठी हुई है जिसकी वजह से इसका जो कंफर्ट लेवल है वो काफ़ी बढ़ जाता है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं। आर्मरेस्ट की बात की तो आर्मरेस्ट इसमें नहीं दिया गया है, और बैठ के देख लेते हैं इसके अंदर। देखिए हम्प की बात करें तो हम्प इसमें है, काफ़ी बड़ा है, और स्पेस की बात की जाए तो नी रूम भी काफ़ी है, लेग रूम भी काफ़ी है, और हेडरूम की बात की जाए तो हेडरूम ठीक है, डिसेंट है, आप थोड़ा इसे स्लाइड होकर बैठते हो तो आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है। तीन लोगों की बैठने की बात की जाए तो हाँ, तीन लोग आराम से बैठ सकते हैं, अगर कोई बच्चा है तो और ज़्यादा कंफर्ट से बैठ सकते हो, बाकी ये हम जो है ये आपको थोड़ा बहुत परेशान कर सकता है। वैसे ये सारी चीज़ जो है आपको इस डोर में भी मिलती है,
ग्रेप हैंडल आपको एक यहाँ पे दिया गया है, एक यहाँ पे दिया गया है, एक यहाँ पे हुक भी दिया गया है। ये लाइटिंग दी गई है जो कि फिर से वही हेलोजन में दी गई है। मारुति अपनी सभी कारों में हेलोजन ही लाइट देता है। इसके बाद जो है ये आपको पार्सल ट्रे मिलती है पीछे, जो भी मतलब काफ़ी स्पेस है इसके ऊपर भी। डैशबोर्ड की बात करें तो डैशबोर्ड काफ़ी प्रीमियम बना दिया गया है, पहले से काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है। बाकी सारी बातें करते हैं आगे चलकर। आगे के डोर की बात करें तो ये आपको यहाँ पे फ्रंट रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है। डोर ट्रिम की बात की जाए तो वही आपको सॉफ्ट टच मिलती है यहाँ पर, यहाँ पर भी सॉफ्ट टच, हार्ड प्लास्टिक और अलग अलग मटेरियल का यूज़ किया गया है। मटेरियल क्वालिटी की बात की जाए या मटेरियल क्वालिटी की बात की जाए तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसे चूज़ किया गया है। चारों पावर विंडो के बटन मिलते हैं, फ्रंट ड्राइवर साइड की विंडो ऑटो में मिलती है, बाकी ये आपको ORBM के कंट्रोल मिलते हैं और वाटर होल्डर मिलती है, स्पीकर मिलता है और ये कुछ आपको थोड़ा और स्पेस दिया गया है। ड्राइवर सीट की अगर थाई स्पोर्ट की बात की जाए पहले तो हम वही देख लेते हैं। बिल्कुल बेहतरीन बेहतरीन सेगमेंट में साइज सबसे बेहतरीन जो इसका ड्राइविंग कंफर्ट है जो वो सबसे बेहतरीन लगता है। ये इसके सीट एडजस्टेबल है जिससे आप रिक्लाइन कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो और हाइट को भी एडजस्ट कर सकते हो। बात करते हैं इसके अंदर बैठकर और चेक करते हैं ड्राइवर कंफर्ट कैसा है। ड्राइवर कंफर्ट की बात की जाए तो आपको ड्राइवर कंफर्ट की बात करें तो थाई स्पोर्ट जो है वो बेहतरीन मिलता है। प्रॉपर आपको एक डेड पेडल भी दिया गया है, यह इसके तीनों पेडल हैं। और स्टार्ट कर लेते हैं पहले इसे, फिर देखते हैं। ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जिसमें आपको एनालॉग दिया गया है और बीच में आपको एक MID मिलती है जिसके अंदर भी आपको स्क्रीन दी गई है और इसके अंदर आपको किलोमीटर बता देगा, फ्यूल एफिशिएंसी बता देगा, रेंज कितनी देगा वो बता देगा, टाइम बता देगा और टेम्परेचर भी बता देगा गाड़ी का। इस तरफ आपको AC वेंट मिलते हैं। जो मारुति के जो AC वेंट होते हैं या फिर मारुति की जो AC होती है वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से काम करती है। ये इसका जो है डिफोगर दिया गया है, फ्रंट डिफोगर यहाँ पर दिया गया है। और अगर मटेरियल की बात की जाए यहाँ पर भी तो वही हार्ड प्लास्टिक, यहाँ भी हार्ड प्लास्टिक, यहाँ भी हार्ड प्लास्टिक और यहाँ पर भी हार्ड प्लास्टिक। मटेरियल सिलेक्शन जो है ना मारुति का वो बहुत ही बेहतरीन है। फिट एंड फिनिश की बात करें तो हाँ बिल्कुल अवश्य बहुत ही बेहतरीन और बढ़िया तरीके से इसे बनाया गया है। और यह यहाँ पर इसके ट्विटर दिए गए हैं और यहाँ पर आपको मिरर नहीं मिलता है और इस तरफ भी आप हाँ इस तरफ आपको मिरर मिलता है। यह आपको लाइट दी गई है जो कि भाई हेलोजन में दी गई है। यह आपको RVI मिलता है जो कि ऑटो डिमिंग नहीं मिलता है, मैनुअल मिलता है। और ये इसका जो है ये है इसका म्यूजिक सिस्टम। इसका टच रिस्पॉन्स की बात करें तो टच रिस्पॉन्स काफ़ी बेहतर है, कोई ऐसे कमी नहीं है इसके अंदर। टच रिस्पॉन्स बहुत ही बेहतरीन है, किसी मैंने और भी गाड़ियां चलाई हैं उनके मुकाबले इसका टच रिस्पॉन्स मुझे बेहतर लगा। AC वेंट की बात करें तो मटेरियल जो है बेहतरीन है क्योंकि ऑब्वियसली ये मारुति की एक प्रीमियम कार है तो बेहतरीन तो होना ही है। और इस तरफ आपको टच स्क्रीन के आपको कंट्रोल दिए गए हैं, इस तरफ आपको कॉल उठाने और काटने के और बाकी सब कंट्रोल दिए गए हैं। ये इधर आपको वाइपर वगैरह के कंट्रोल मिलते हैं, इधर आपको मिलते हैं हेडलाइट के कंट्रोल, यहाँ पर आपको मिलता है ट्रैक्शन ऑन ऑफ कंट्रोल करने का और ऑटो इंजन ऑफ करने का कंट्रोल। यह है आपकी हेडलाइट को एडजस्ट करने का कंट्रोल यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पर आपको एक चार्जिंग सॉकेट दिया गया है, एक USB पोर्ट यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर कुछ स्पेस मिलता है, यहाँ पर वाटर होल्डर मिलता है, यह आपको 5-speed का मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है और यहाँ पर किसी भी प्रकार का और कोई आपको स्पेस नहीं मिलता है जो कि आपके काम का हो। ये आपको हैंड ब्रेक मिलता है और ये आपको यहाँ पर इसका आर्म रेस्ट मिलता है जो कि बहुत ही ऐसे पतला सा है, बहुत चंकी नहीं है, इसके अंदर वो बहुत ही कम स्पेस मिलती है। ग्लव बॉक्स की बात करें तो ग्लव बॉक्स इसका डिसेंट है, बहुत ही बड़ा नहीं है और ये कूल्ड है, ना कि ऐसे नॉर्मल नहीं है बल्कि कूल्ड ग्लव बॉक्स है। ये इसके AC के कंट्रोल्स दिए गए हैं, यहाँ पर आपको ऑटो AC भी मिलेगी और पूरी तरीके से ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC दी गई है आपको। ये आपको हैजार्ड लैंप का ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा ड्राइवर सीट एडजस्ट होती है और उसके अलावा ये जो है ना फ्रंट पैसेंजर इसकी भी सीट जो है ये एडजस्ट हो जाती है, लेकिन ये टू भी एडजस्ट होती है। अब चलिए हम इंजन वे की बात कर लेते हैं। इंजन खोलने के लिए आपको
यहाँ से आपको दिया गया है। इंजन खोल के और आपको मैं दिखा देता हूँ। इंजन वे की बात करें तो इंजन आपको इंजन वे की बात करें तो ये है इसका इंजन वे, जो कि इसका जो लीड है ना ये काफ़ी भारी है। इसका मतलब ये है कि मारुति ने पहले से ज़्यादा इसके अंदर सेफ्टी पर काफ़ी ध्यान दिया है। ये है 1200 cc का इंजन, 4 सिलेंडर इंजन है और ये आपको माइलेज देती है, जो कंपनी क्लेम करती है वो है 23 का जो माइलेज इसमें क्लेम किया जाता है। और ये इंजन वे है काफ़ी भारी है क्योंकि इसके अंदर सुजुकी ने काफ़ी काम किया है और ये पहले से ज़्यादा मजबूत और सेफ है। काफ़ी एक्सीडेंट देखे थे मैंने इसके, तो काफ़ी पहले से ज़्यादा मजबूत है। तो कैसी लगी आपको मारुति सुजुकी की बलेनो, कमेंट करके नीचे बताना। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसी ही बेहतरीन जानकारी के लिए और ऐसी बेहतरीन वीडियो देखने के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।